आज कॉलेज में तो हम दोनों काफी मास्टर्स कई बड़े बड़े दिग्गज पढ़ाते थे और चूंकि सभी मानते हैं कि शैलोज की जो पर्सनैलिटी वहाँ काफी यंग लोगों को प्रभावित करती थी। जी हाँ, जी हाँ। तो आपके क्या यादें हैं शैलोज मुखर्जी की, क्या याद है एक्चुअली एज ए टीचर एज एन आर्टिस्ट? ठीक है, actually I should say that I was one of the I means our group was one of the luckiest person, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों को देखना मिलना, सानियल साहब was he was the head of the department of art department का, मिस्टर मुखर्जी सरोज मुखर्जी तो खैर अलग नेचर के ही आदमी थे, विरंडे थे एंड कमल सेन थे, जया अप्पास्वामी, देर ऑल वेरी सोमनाथ होर उस टाइम सब इन लोग आ गए थे यहाँ कॉलेज दिल्ली में एंड उस हम लोगों का टाइम पे ही इन लोग दे वर टीचर, सो दैट वे वी आर डेफिनेटली ब्लेस्ड दैट वे। और आपने सरोज मुखर्जी के बारे में जो बताया हो वो ऐसा है कि जब मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद मदन रॉय एक टीचर थे हमारे, उन्होंने वो बंगाली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड ही यूज़ टू इंट्रोड्यूस बंगाली स्टूडेंट्स टू मिस्टर मुखर्जी, मुखर्जी वॉज अ डिफरेंट, तो मिस्टर मुखर्जी को सर मदन दाई ही हमको इंट्रोड्यूस कराया था एंड हम लोग बहुत सोचते थे कि बहुत कमाल कर लेंगे, तो मैं और मंजीत ऑयल पेंटिंग लेके हम लोग ओखला में चले गए और जब ये ट्रेन आता है ना उस ट्रेन को हमने पेंट किया था, बट वी आर डिस्करेज बाई वन शोड द वर्क टू मिस्टर मुखर्जी, ही डिड नॉट एनकरेज अस एट ऑल, ही सेड व्हाट ए क्या कहना चाहिए उसको व्हाट ए मेस यू हैव डन, इज इट द वे टू पेंट, हाँ शिट इज इट ए शिट, तो फिर देन वी रियलाइज इट बट उनका नेचर ही था कि वो किसी के साथ ऐसे पढ़ाते नहीं थे कभी, जिनके साथ मन किया थोड़ा गया उन्हीं का कैनवस में काम कर दिया, ऐसे बहुत स्टूडेंट है सीनियर स्टूडेंट हमारे, हम तो फर्स्ट ईयर में थे, सीनियर हमारे जैसे अर्पिता वाज इन फाइनल ईयर ऑन दोज डेज एंड परमजीत वाज ऑलरेडी पास आउट हो गया था, सूरज पास आउट हो गया था, तो इन लोग इनको ज़्यादा इनको दे है got his teaching in another thing, पर हम लोगों ने वी आर लकी कि उनका ब्लेसिंग तो हमें थोड़ा बहुत तो मिला ही है। और आप अवनी सेन से भी आपका यस 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 अवनी मंजीत बाबा भी अपने आर्ट करियर को अवनी सेन से बहुत जोड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका एक बार उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था 70s में कि अवनी सेन ने उन पर बहुत असर डाला, कैसे ड्राइंग बनाई जाए, कहाँ से शुरू की जाए, जैसे पशु की ड्राइंग जो है शुरुआत कहाँ की जाए, तो आप क्योंकि आपके भी कैरियर में अवनी सेन का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं भी अवनी सेन के बारे में कुछ बताइए। अवनी सेन ही यूज़ टू टीच इन द रायसेना स्कूल, ठीक है, और वो अपना घर में क्लासेस लेते थे, दोज वर इंटरेस्टेड, इवन राजेश मेहरा ऑल्सो यूज टू गो देयर बिफोर आस, बिकॉज राजेश मेहरा साहब से बहुत सीनियर हम लोगों से, और मंजीत का जो बड़े भाई साहब है मनमोहन सिंह, ही यूज टू ऑल्सो गो देयर, तो आफ्टर दैट जब हम आर्ट कॉलेज में भर्ती हो गए हैं या होने वाले हैं उस टाइम से मंजीत जाना शुरू किया और मेरे भी साथ जाता था उनके पास, तो अवनी सेन का ही टीचिंग मेथड वॉज स्लाइटली डिफरेंट देन द व्हाट वी यूज टू लर्न देयर इन द कॉलेज ऑफ आर्ट, तो जैसे मंजीत ने बताया कि टेक्निक या टचिंग डिफरेंट टाइप के था, हाउ टू हैंडल द पेंसिल भी उनका डिफरेंट वे ही यूज टू, बट सेन साहब अवनी सेन वॉज अ ग्रेट पर्सन, खुले दिल के आर्टिस्ट थे और ही यूज टू अप्रिशिएट स्टूडेंट हो या सीनियर हो कोई भी हो, थोड़ा भी कोई काम जिसको अच्छा लगा तो एकदम इमिडिएटली उनको अप्रिशिएट करता था वो, तो दैट वॉज हिज स्पेशलिटी, और एज अ पेंटर ही वॉज डेफिनेटली ग्रेट पेंटर, दैट मच आई कैन से।